हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आ रखी है बनपुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अभी हाल में ही जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है, तो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट की। तो यहाँ पे जो है दो तरह की पोस्ट है। पहला पोस्ट का नाम है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, देन दूसरा पोस्ट जो है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे जो है बात करें कौन कौन सी ब्रांच जो है एलिजिबल हैं, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है, पहले आपको 2 साल इनिशियली जो है ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, देन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। तो सैलरी वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिसिप्लिन और कितना नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। तो मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 36 है, मेटलर्जी की 35, इलेक्ट्रिकल की 25, इंस्ट्रूमेंटेशन की 10, केमिकल की 5, सिविल की 10 एंड सेरेमिक की जो है 5 पोस्ट है। टोटल जो है वो 126 पोस्ट है। देन बात करते हैं दूसरी पोस्ट जिसका नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड में। तो इसमें जो है टोटल 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये जो है ITI के लिए है, जिसमें फिटर्स, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर और CNC मैकेनिस्ट कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि इसके और भी डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे BE BTEC वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें आपका बात करें पहली पोस्ट की ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, तो इसमें जो है आपका मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, जिस स्टेट के लिए या फिर जिस ब्रांच के लिए मैंने बताया उस ब्रांच के यहाँ पे एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा 50% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 50% होना चाहिए। अगर जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, और BE BTEC के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उनके लिए फिर से जो है यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया है कि जो हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। देन दूसरी जो पोस्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसमें जो है मैट्रिकुलेशन विद ITI के कैंडिडेट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक्स के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है आपका 28 साल जो है एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम। देन बाकी जो है 5 साल रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC NCL कैंडिडेट के लिए और 10 साल जो है PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखी गई है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपको जो पहली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी उसमें 24,000, और जो दूसरी पोस्ट है उसमें जो है आपका 22,000 जो है टोटल सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देन यहाँ पे जो है 2 साल आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान देखिए आपको जो स्टिपेंड प्रोवाइड होगा कितना प्रोवाइड किया जाएगा, तो फर्स्ट ईयर जो आपको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा 10,700 रुपये, और सेकंड ईयर जो है 12,200 रुपये जो है आपको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। देन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। देन दूसरी जो पोस्ट है उसका जो रखा गया है फर्स्ट ईयर में आपका 8,600, और जो दूसरे साल में जो है 10,000 सैलरी या स्टिपेंड जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपकी जो सैलरी है 22,000 और 25,000 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट देखिए किस तरह होगा, तो रिटर्न टेस्ट में देखिए आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो, उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डिटेल सिलेबस बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी आप सिलेक्शन प्रोसीजर जान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, जो कैंडिडेट अगर रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं। तो जो रेशियो रहेगा 1:3 रेशियो में कैंडिडेट जो है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है। देन यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांग रखा है कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है उनके लिए जो है मिनिमम हाइट 155 जो है 155 सेंटीमीटर फॉर द मेल्स कैंडिडेट एंड फॉर द फीमेल्स कैंडिडेट 143 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है उनके लिए। देन यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड का भी यहाँ पे बता दिया गया, जैसा कि आपको मैंने बताया 2 साल जो है इनिशियली आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, देन आपको जो है यहाँ पे परमानेंट कर जाएगा। देन बात करते हैं कि यहाँ पे कितना एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है उसके लिए 250 रुपये का जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए जो है कोई फ़ी नहीं ली जा रही है। देन बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए 150 रुपये का फॉर्म जो रखा गया है OBC और जनरल्स के लिए, बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है यहाँ पे।
इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका स्टार्ट हो चुका है 15 नवंबर से, जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देन इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 14 दिसंबर रखी गई है। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपको मेल के थ्रू और आपके जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगे उसके थ्रू जो है आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप इस फॉर्म को जान सकते हो कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। देन बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की। तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये आपका वेस्ट बंगाल में ही हो सकता है और एग्जामिनेशन डेट ये सारी चीज़ जो है आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसमें जो है इंग्लिश सेक्शन नहीं रहता है, बाकी सेक्शन मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें आप देख लीजिएगा। कुछ कुछ जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं सेल के जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो फ्रेंड यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।